हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आपने कुंडलिनी शक्ति या सात चक्रों के बारे में सुना होगा। सात चक्रों को लेकर जब भी बातें होती हैं, वो कभी हमारी समझ और कभी तो हमारी पकड़ से बाहर लगती हैं। इस वीडियो में हम सात चक्रों की उन खूबियों की बात करेंगे जो सीधे तरीके से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि कैसे मेडिटेशन के सरल उपाय से हम अपने पर्सनैलिटी को पूरी तरह से एनर्जेटिक बना सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में मूल रूप से सात ऊर्जा के सोर्स हैं, जिसे सप्त चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे आकार, व्यवहार, विचारों और इमोशन को कंट्रोल करते हैं। जब हमारे ये चक्र एक्टिव होते हैं तो हमारा शरीर और मन एक खास संतुलन में काम करता है और तब हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। हर चक्र को एक्टिव करने के लिए कई आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग के दूसरे कई टूल्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने हर चक्र के लिए एक आसन के बारे में बताया है। इनमें से किसी भी आसन को करने से पहले किसी गाइड से सलाह ले लें। सबसे पहले बात करते हैं पहले चक्र की, जिसका नाम मूलाधार चक्र है। ये चक्र हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी और गूदा के बीच स्थित होता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वीरभद्रासन सबसे आसान और यूजफुल आसन है। मूलाधार के संतुलित होने से आपके व्यक्तित्व में मजबूती और कॉन्फिडेंस दिखता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे चक्र की, जिसका नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। ये चक्र मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। इस चक्र को संतुलित करने के लिए बद्ध कोणासन सबसे आसान और सबसे यूजफुल आसन है। स्वाधिष्ठान में संतुलन से आपके व्यक्तित्व में क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी दिखती है। अब बात करते हैं तीसरे चक्र की, जिसका नाम मणिपुर चक्र है। ये हमारे शरीर के नाभि में स्थित होता है। नवासन की सहायता से आप इस चक्र को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट या संतुलित कर सकते हैं। मणिपुर चक्र के जागरूक होने से आपके व्यक्तित्व में जिंदा दिली और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है। अब बात करते हैं चौथे चक्र की, जिसका नाम अनाहत चक्र है और ये हमारे शरीर के हृदय में स्थित होता है। उष्ट्रासन करके हम इस चक्र को अधिक से अधिक कम समय में एक्टिवेट या संतुलित कर सकते हैं। अनाहत चक्र में संतुलन से आपके व्यक्तित्व में प्रेम, करुणा, दया और एक्सेप्टेंस का भाव दिखता है। अगला चक्र है विशुद्ध चक्र, जो कि पांचवा चक्र है। ये हमारे शरीर के कंठ में स्थित होता है। मत्स्यासन की सहायता से हम इस चक्र को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट या संतुलित कर सकते हैं। विशुद्ध चक्र के जागरण से आपके बोले हर शब्द का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अब बात करते हैं छठे चक्र की, जिसका नाम आज्ञा चक्र है। ये आपके दोनों भावों के बीच में स्थित होता है और बलकासन की सहायता से आप इस चक्र को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट या संतुलित कर सकते हैं। आज्ञा चक्र के संतुलन से व्यक्तित्व में स्पिरिचुअल एनर्जी में काफी वृद्धि होती है, जिससे आपके अंदर कुछ भी जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं सातवें चक्र की, जिसका नाम सहस्रार चक्र है और ये मनुष्य के सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। शीर्षासन की सहायता से आप इस चक्र को आसानी से एक्टिवेट या संतुलित कर सकते हैं। सहस्रार चक्र के जागरण से आपको ये पता चलता है कि आप वास्तव में है कौन, मतलब आपका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, ये थे सातों चक्रों के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय।